देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। झारखंड के कोडरमा में रैली कर पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी दी तो राम मंदिर, भ्रष्टाचार और वोट जिहाद को लेकर विपक्ष को घेरा। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। वहीं श्रीनगर में रिकॉर्ड वोटिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि दशकों बाद चुनाव का उत्सव मनाया गया। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा भरा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी समेत 36 से ज्यादा वीआईपी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 4 प्रस्तावक भी शामिल हुए। इनमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक भी की, जिसमें प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। सपा के नेता है, ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दे और फिर उस आधार पे वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। अमेठी में सीएम योगी ने भी पाकिस्तान को लेकर विपक्षी गठबंधन को घेरा। उन्होंने कहा कि हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। अरे हमारे पास तो एटम बम है, हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं बना है। चार चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि अब तक हुई वोटिंग में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो चुके हैं। आगे 400 पार की लड़ाई है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया और कहा कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। Z News.